हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे मटन चॉप। इसके लिए हमने 8 मटन चॉप्स लिए हैं, ये लगभग 900 ग्राम है। सबसे पहले हम चॉप्स को मसालों के साथ पका लेंगे। इसके लिए हमने लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 तेजपत्ता, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मटन मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच हल्दी, 1 मीडियम साइज का प्याज, 2 से 3 चम्मच नींबू का रस, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच तेल, कवरिंग के लिए 2 उबले हुए आलू, 2 अंडे और गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती। सबसे पहले हम चॉप्स को मैरिनेट कर लेंगे। अब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अब सारे ड्राई मसाले डालेंगे। अब 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब 2 चम्मच तेल डालकर मटन चॉप्स को सारे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे चॉप्स को मसाला लगाने के बाद अभी हम इसे प्रेशर कुकर में पका लेंगे। अब कुकर में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हमने इसमें धनिया पत्ती और खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसालों को 15 से 20 सेकंड तक भूनने के बाद अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें सारे चॉप्स डालकर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भूनेंगे। अब आवश्यकता अनुसार इसमें और थोड़ा नमक डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनने के बाद इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। ग्रेवी को उबाल आ गया है। अब इसे 3 से 4 सीटी होने तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। 4 सीटी हो गई है। अभी हम चेक कर लेंगे कि मटन पूरी तरह से पका है कि नहीं। अगर मटन थोड़ा सा भी कड़क है तो आपको उसे 5 से 6 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ पकाना होगा। हमें मटन चॉप्स को बहुत नरम नहीं पकाना है, नहीं तो ये गल जाएंगे और इसके चॉप्स भी अच्छी तरह से नहीं बंधेंगे। अब सारे मटन चॉप्स को ग्रेवी से निकाल लेंगे। सारे चॉप्स ग्रेवी से अलग करके हमने ग्रेवी में उबले हुए आलू डाल दिए हैं। अब ग्रेवी में आलू को मैश कर लेंगे। आलू को मैश करने के बाद हमें इसे गाढ़ा होने तक भूनते रहना है। मटन चॉप्स के लिए आलू की कोटिंग तैयार हो गई है। इसे बाउल में निकालकर धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। अब चॉप को सारी तरफ से मसाला आलू लगाकर कोटिंग करेंगे। सारे चॉप्स को हमने कोटिंग कर ली है। अब बाउल में एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब चॉप्स को फेंटे हुए अंडे से पतली कोटिंग करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। सारे चॉप्स को हमने इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब इसे शैलो फ्राई करेंगे। पैन में तेल गर्म हो गया है। अब चॉप्स को पैन में डालेंगे। अब इसे मीडियम आंच पर सारी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चॉप्स एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे पलट लेंगे। चॉप्स सब तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मटन चॉप सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको ये टेस्टी और क्रिस्पी मटन चॉप की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।